अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू नॉर्थ वर्ल्ड। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटका गोश्त, जो कि हमारे इलाके में बहुत मशहूर है। हर शादी ब्याह में बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। ज़्यादातर उसमें गाय का गोश्त और भैंस का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है मटके में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास छोटे ये मटकर रखा है, हांडी टाइप ये है। अभी इसको मैंने तैयार कर दिया, नीचे मिट्टी लगा के रखा है और उसमें मैं डालूंगी तकरीबन आधा किलो गोश्त। मेरे पास 5 अदद ग्रीन चिली है, 1 टेबल स्पून नमक है, हल्दी है, मिर्च है 1 टेबल स्पून, उसके साथ ही मेरे पास गरम मसाला है, सूखा धनिया है और इसमें ज़रूरी डाला जाता है कोरमा मसाला 2 टेबल स्पून मेरे पास है। ये पिसा हुआ अदरक लहसुन, 4 टमाटर है, धनिया और मेरे पास प्याज है, 2 मैंने बड़े साइज के प्याज काट के रख दिए हैं। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं कि मर्द का गोश्त हमारे इलाके अटक में कैसे बनाते हैं। तो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैंने हांडी ये रख दी इधर, तो इसमें मैं डालूंगी जो मैंने गोश्त धो के रखा हुआ था, इसमें ये मैं डालूंगी तकरीबन 2 कप पानी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें मैं डाल दूंगी ये जो मैंने प्याज काटे थे, आई मीन टमाटर। अब ये प्याज इसमें चले गए, तो उसके बाद व्यूअर्स मैं आपको दिखाती हूँ ये सारे मसाले डालने हैं। ये जो बर्तन मेरे हाथ में प्लेट पकड़ी है उसको ये मट्टी की है प्लेट, इसको हमारी जुबान में कहते रखे भी। अब मैं डाल दूंगी ये अदरक लहसुन और साथ ही हम इसमें डालेंगे कोरमा मसाला। तो ये ज़्यादातर हल्की आंच में पकाया जाता है। अब इसमें ढकना देख मैं इसे रख दूंगी, तकरीबन इसको लगेगा 1 घंटा पकने में, क्यों ये हल्की आंच पे पके तब इसका मटके जैसा टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना मैं धनिया काट के रख लेती हूँ जितना तो बनने का। व्यूअर्स आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, मोटे मोटे पीस आलू के, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है। और ये जो मैं बना रही हूँ मटका गोश्त, ये मेरे तरीके से, जैसे कि हमने बचपन से देखा है ना शादी ब्याह में कैसे बनाते हैं हमारे इलाके में अटक में ये चीज़, तो मैं आपके साथ उसी तरह शेयर कर रही हूँ जैसे कि हमने देखा सुना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये गोश्त में जो पानी था सूख गया है, अब इसमें हम लोग उसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल हो वेजिटेबल ऑयल हो या घी हो, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो ये इसको मैं प्याज निकाल लेती हूँ, प्याज हम दूंगी, प्याज का छिलका नहीं अच्छा लगता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें मैं डालूंगी जैसे 1/2 कप तेल का कुकिंग ऑयल, इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ भूनने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस अब ये मेरी हांडी तैयार है, ये गोश्त में अब भून चुकी हूँ। अब ये अब इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दूंगी जो मैंने काट के रखी थी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी, बिल्कुल वही खुशबू है जैसे मटका गोश्त की है, कटवा गोश्त की। मटका भी कहते हैं लेकिन कटवा कहते तो मतलब जो कहने का सही तरह लफ्ज है वो कटवा ही है। तो अब व्यूअर्स ये थोड़ी देर में और इसको करूँ भूनूँ तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अब ये मेरी हांडी हो गई है कटवा गोश्त। तो मैं ये इस्तेमाल करके आपके साथ शेयर करती हूँ। जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता है ना इसमें कटवा गोश में, तो इसी किस्म का होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अब इसमें मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगी। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और गोश्त भी बहुत गला हुआ है। ये देखें, तो इसके साथ तंदूर के नान होना जरूरी है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसका टेस्ट अब कैसा है। बहुत ही अच्छा, जैसे कि हम कभी शादी ब्याह में खाते थे। आपको होपफुली ये रेसिपी और ये मेरे बनाने का तरीका, क्योंकि मैंने अपने तरीके से बनाया है, आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दें, लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। नाज़ वर्ल्ड की तरफ से अल्लाह हाफिज़।